दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल में आएगा बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक बटन को प्रेस करके लाइक कर लीजिए ताकि हर टेक से रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। जी हां दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन अपडेट आ रहा है जियो की तरफ से, और जियो के लिए ही मतलब जियो यूज़र्स के लिए ही खुशखबरी नहीं, ये सिर्फ ना ही जियो यूज़र्स के लिए है, ये जियो खुद कंपनी के लिए भी काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि आखिर में आपका जो भी डिले हो रहा था 5G सर्विसेज में या फिर जियो गीगा फाइबर को आपको लेकर, मतलब जियो के ब्रॉडबैंड सर्विस को लेकर काफ़ी डिले था, कुछ लोगों तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो वो उसको लेकर बहुत ही बेहतरीन अपडेट यहाँ पर आया है। रिलायंस जियो के लिए ही आया है और जियो यूज़र्स के लिए भी आया है। तो पूरा अपडेट क्या है, छोटी सी वीडियो होगी, जानने के लिए इस वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों आप अगर वीडियो को लाइक करते हो तो मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे और प्राप्त होती है, तो मैं और बेहतरीन वीडियोज़ बना पाता हूँ। तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। अगर दोस्तों बात करते हैं अपडेट क्या है, तो दोस्तों ये खाली जियो यूज़र्स के लिए ही खुशखबरी नहीं, ये खुद ब खुद कंपनी के लिए भी खुशखबरी है। रिलायंस जियो, जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग अभी आपको पता है कि काफ़ी डिले हो रहा था जियो के गीगा फाइबर सर्विस को लेकर, और 5G सर्विसेज भी, जो 4G सर्विसेज के बाद 5G भी आने वाली है उसके ऊपर भी काफ़ी यहाँ पर मतलब सोचा जा रहा था यार कि कब तक आएगा। काफ़ी यूज़र्स जो है वो कमेंट करते थे भाई गीगा फाइबर नहीं मिला, ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से और भी रिलायंस जियो की तरफ से वर्क होने वाला है। और दोस्तों अब मैंने जब बात की 5G की, तो आपके मन में आया होगा पहले 4G तो अच्छा से कर लो, जियो पहले 4G अच्छा नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं, वो 4G के ऊपर ही वर्क कर रहा है और काफ़ी इंप्रूवमेंट यहाँ पर पहले से देखने को मिल रही है, और अभी आने वाले समय में आपको और 4G के जो नेटवर्क है उसमें यहाँ पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी जियो की तरफ से। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो खबर है वो ये है कि रिलायंस जियो में 20,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली है रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 20,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने वाली रिलायंस जियो में। और ये जो इन्वेस्टमेंट होगा इतने 20,000 करोड़ रुपीस का, इससे क्या फायदा क्या होगा कि रिलायंस जियो को एक और बेहतरीन मौका मिल जाएगा, एक और अच्छी मतलब स्टेप यहां पर फंड मिल जाएगा जो जियो ब्रॉडबैंड सर्विस है उसको और इंप्रूव करने में, या फिर जो जियो की जो 5G सर्विसेस आने वाली है उसको और तेजी के साथ उस सर्विस पे काम करने के लिए। तो ये काफी अच्छा अपडेट यहां पर आने वाले समय में आपको देखने को मिलने वाला रिलायंस जियो की तरफ से। अब ये जो रिलायंस इंडस्ट्री जो लिमिटेड है, मतलब जो पेरेंट कंपनी रिलायंस जियो की, वो कुछ शेयर खरीदने वाली है 20,000 करोड़ रुपए के, जिसमें कि आपको 400 करोड़ रुपए का, यहाँ पर आपको जो 400 करोड़ शेयर्स होंगे जो कि एक आपका जो शेयर होगा वो होगा 50 रुपए का, मतलब 50 रुपए के ईच शेयर होंगे 400 करोड़ शेयर होने वाले हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आप इतना समझ के रखो कि रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। किस लिए, उनकी जो गीगा फाइबर है या जो 5G सर्विसेज आने वाली या जो भी रिलायंस जियो की अवेलेबल सर्विस है उसमें थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो ये मतलब रिलायंस जियो के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और ऐसे जैसे आपको रिलायंस जियो का जब सिम लॉन्च हुआ था फ्री सर्विस मिल रही थी, कुछ इसी प्रकार आपको जो जियो की 5G सर्विस आने वाले समय में या फिर जियो का जो ब्रॉडबैंड है उसमें देखने को मिल जाएंगी। तो ये अपडेट कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए, बाकी आपका क्या ओपिनियन है जियो के इस अपडेट को लेकर मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें रोजाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।